जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। हम नैनीताल हल्द्वानी से आए हैं गुरु जी। गुरु जी मैं कथा तो आपकी सुनते रहती, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी, ताकि मैं लोग जनता भी सुने कि आप कथा में इतनी बढ़िया बात बताते हैं कि पहले आप अपने लिए घर बनाओ, उसके बाद आप गाड़ी खरीदो, अपने लिए बैंक बैलेंस भी रखो, उसके बाद 100 में से 1 रुपया दान करो। ये कितनी बढ़िया बात कहते हैं गुरुजी। आप कभी फोर्स नहीं करते हैं किसी को, जो देना चाहे तो अपने उससे। दूसरी बात गुरुजी, आप इतना बढ़िया बताते हैं, लेडीज जैसे काम छोड़ के भगवान की पूजा में ही लगी रहेंगी तो कैसे होगा, बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। आप इतना बढ़िया कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। मेन गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो कथा में बताते हैं कि स्त्री ना पत्नी रोए 13 दिन, माता रोए जन्म जन्म, गुरुजी ये कोई शास्त्र में लिखा है या क्यों, कोई भजन बनाया गया है? ये कबीर दास जी की बात है, ये कबीर दास जी कह रहे हैं। पर ये देखिए, मान्यता तब की थी, आज की मान्यता ऐसी है कि महिलाएं रोती तो सदा हैं। जो पतिव्रता नारी होती है ना, वो तो सदा दुखी होती है अपने पति के जाने। क्योंकि गुरुजी ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है, मेरी 7 महीने शादी हुए थे, मेरे हस्बैंड जो थे आर्मी में थे तो वो शहीद हो गए थे, उन्होंने 5-6 लोगों की जान बचाई और खुद शहीद हो गए। तो उस समय मैं मतलब 10-12-15 साल तक मैं कहीं शादी में नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जैसे आप जैसे संतों के मुँह से जैसे मैंने भागवत कथा सुनी, ये सुना, थोड़ा ज्ञान आया, मुझे लगा कि कुछ नहीं संसार में सबसे अच्छा मतलब भगवान की ध्यान वही है और कोई चारा नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने पति ने इतने त्याग किया है, इतना बड़ा शौर्य चक्र उन्हें भारत सरकार ने दिया है और मुझे वीर नारी दीपा नयाल करके मेरा नाम आता है तो मुझे गर्व होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के नाम से अपना सारा जीवन जीऊँगी। तो तब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कहते हैं पत्नी रोए 13 दिन, तो तब मैं सोचती हूँ ऐसा कैसे लिख दिया ग्रंथों में। नहीं, कबीर दास जी की वाणी है 13 दिन तक तिरिया, हम तो 13 बोलते हैं, कबीर जी ने 3 बोला, 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना सगो भाई। तो हमने 3 का 13 कर दिया है ताकि वही, इसीलिए मैंने आज अपने पति के आत्मा में शांति के लिए मैंने यहाँ पे आज। देखिए ऐसा है कि जो पतिव्रता नारी है ना, पति के बाद परमेश्वर से जुड़ करके आप जैसे जुड़ गई हैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। तो आपके लिए ये बातें नहीं है, ये बातें कबीर दास जी उन कुलटा महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं तो 3 दिन पति मरा के दूसरे पुरुष से हाय हलो चालू हो जाती हैं। तो 3 दिना तक तिरिया रोवे, कहाँ उसे फुर्सत है रोने की, वो रोएगी कि दूसरे पुरुष के पास जाएगी। तो ये जो कुलटा स्त्रियों के लिए ताने मारना होता है ना, ताने, तो ये ताने मार रहे हैं कबीर जी किन के लिए, कुलटा 3 दिना तक तिरिया रोवे। मतलब 3 दिन तक तो रोले, मतलब तो पति मरा नहीं कि दूसरे पुरुष से संबंध, पर 3 दिन तो रोले, ताने मार रहे हैं, ये किसी पतिव्रता नारी को नहीं कह रहे हैं कबीर। गुरु जी एक छोटी सी वो है, मेरा मतलब कजन है जो ना, ये थोड़ा वो है, ये फूफा जी से बात कर लीजिए, थोड़ा सा कराइए, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं 5-6 महीने से आपका प्रवचन सुनती हूँ, मैं उत्तराखंड अल्मोड़े से आई हूँ, इसकी बुआ हूँ मैं। तो हम दिन भर हमारे वहाँ औरतें काम करते हैं, रात को बोलते हैं अनुराधाचारी जी का प्रवचन लगा, उनका प्रवचन लगा करके आपका प्रवचन ही सुनते हैं हम। आप मैं और हमारे पड़ोसी सब अब आपके उसमें जुड़ गए हैं। अच्छा, तो मैं बोलती थी कि मैं भी कभी जाऊंगी वहाँ, प्रश्नोत्तरी करूंगी महाराज जी से कि मैं बिहारी जी बुलाएंगे मेरे को अपने बेटे और पति को लेके, तो आज बुला दिया उन्होंने। वाह, देखिए जो कामना थी बिहारी जी ने, जो इच्छा तो होती है भक्त की, भगवान देर सवेर पूरी करते हैं। तो महाराज जी मैं थोड़ा बेटे से परेशान हूँ क्योंकि मैं बीटेक प्लस एमबीए दोनों कराया, तो आज अच्छी पोजीशन में जॉब भी करता है, पर पीना खाना उसने हॉस्टल से शुरू किया। बात करा दो हमारी, तो मैं थोड़ा उससे बात, आप आशीर्वाद समझा दीजिए, इधर आइए, आ जाओ बेटा बात कर ले थोड़ी सी। जॉब भी अच्छी उसमें करता है, पर अभी भी मेरे को डर बनी रहती है कि शादी करेंगे तो तब जी आ जाओ बात कर लेंगे भैया, कोई बात नहीं, आप आइए बात करेंगे हम आपसे। देखो माँ कितनी चिंता करती हैं अपने बच्चों की। मैं सोचती थी महाराज जी के पास ले जाऊंगी मैं अभी। माँ भगवान ही होती है, देखिए कितना फिकर है बच्चों के लिए।
भगवान और माँ कोई दो नहीं होती। महाराज जी बात कराइए, गाय भी पाल रखे हैं। बात कराइए, बात कराइए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। कैसे हैं भैया? बढ़िया। आप देखिए इतने पढ़े लिखे हैं, इतने योग्य हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी आप शराब पीते हैं? नहीं नहीं, शराब नहीं। शराब पीते हैं आप? नहीं, धूम्रपान करता हूँ। अच्छा, शराब कभी नहीं पीते? मैया शराब पीते हैं ये? अरे शराब नहीं पीते हैं वो। अच्छा, सिगरेट पीते हैं। अच्छा अच्छा, बात कर। अच्छा, शराब नहीं पीते, अच्छी बात है। सिगरेट पीते हैं आप, फिर भी देखिए माँ की चिंता है। अच्छा, माँ की चिंता करना जायज है, सही है? नहीं, ज्यादा तो ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। बाकी मैं हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, जिम जाता हूँ डेली। नहीं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी धूम्रपान सिगरेट इत्यादि भी क्या अच्छी चीज है? नहीं नहीं, मैं शुरू कर दूं क्या सिगरेट पीना? अच्छा लगेगा आपको? नहीं नहीं ना, जब मेरा पीना आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपका पीना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कि आप इतने समझदार हैं, कोई ऐरा गहरा होता तो मैं नहीं बोलता। आप देखो विद्वान है, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। आप जिस रास्ते पर आप चलेंगे, कल समाज देखो हमसे, हम जिस रास्ते पर चलेंगे ना, समाज उसी रास्ते पर चलेगा। आप मानते हैं इस बात को? आप बड़े हैं, आप युवा हैं। आप एक युवा गलत रास्ते पर चलता है तो चार भी उसके पीछे चल पड़ते हैं, और एक सही रास्ते पर चलेगा तो चार सही रास्ते पर चलेंगे। अब सही बनाना है अपने देश को या गलत बनाना है, वो हम जवान बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। कि हम नेतृत्व कर रहे हैं आज समाज का, कि हम किस दिशा पर जाएं। कल आपके बच्चे होंगे, आपके पीछे चार लोग चलेंगे तो आप कहाँ सिगरेट पिलाने ले जाओगे? हम भी आपके दोस्त हो गए, यदि माना कि हम आपके यहाँ आए, आपके दोस्त बने कि आपके संग चलो घूमने फिरने चले, तो आप हमें भी पकड़ाओगे क्या? नहीं गुरुजी। फिर इसलिए सही रास्ता, ठीक है? खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे।